किडनी शरीर का एक छोटा पर बेहद अहम अंग है जिसका सेहतमंद रहना बहुत जरूरी है। किडनी का काम शरीर से बेकार या टॉक्सिन पदार्थ को बाहर निकालना है। ये यूरिन का निर्माण करने के साथ ब्लड प्रेशर को सुचारू रूप से बनाए रखने वाले हार्मोन को स्रावित करती है। कई एक्सपर्ट को मानना है कि कुछ ऐसे फूड्स हैं जो किडनी को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। गलत खान पान और अव्यवस्थित लाइफस्टाइल के चलते किडनी में कई तरह की समस्याएं हो जाती है, जैसे कि किडनी इन्फेक्शन, किडनी में स्टोन, गुर्दे का कैंसर, ये सब बीमारियां हो सकती है। किडनी शरीर से यूरिन के जरिए गंदगी बाहर निकालने का काम करती है। जिनकी किडनी के दिक्कत शुरुआत दौर में पता लग जाता है उन्हें खानपान में बदलाव की जरूरत होती है, पर कुछ लोगों की परेशानी लास्ट स्टेज पर पता चलती है जिसे उन्हें डायलिसिस करवाना पड़ता है। किडनी खराब होने के कई शुरुआती लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि भूख में कमी होना, शरीर पर सूजन होना, अधिक ठंड लगना, स्किन रैशेज होना, पेशाब में परेशानी आना, हमेशा चिड़चिड़ापन आना, ये सब कारण हो सकते हैं। किडनी को नुकसान पहुंचाने वाली कुछ ऐसी चीजें के बारे में बात करते हैं, जैसे कि ज्यादा शराब का सेवन करने से किडनियां खराब हो जाती है। ज्यादा शराब का सेवन करने से किडनियों की इन्फेक्शनिंग में दिक्कत हो सकती है। इसका असर आपके दिमाग पर पड़ सकता है। शराब न सिर्फ आपकी किडनी पर बुरा असर डालता है बल्कि बाकी अंगों को नुकसान भी पहुंचाता है। इसके बाद अत्यधिक नमक का सेवन करना। नमक में सोडियम होता है, यह पोटेशियम के साथ मिलकर शरीर में फ्लूइड की मात्रा को सही बनाए रखता है। लेकिन खाने में अगर नमक का मात्रा ज़्यादा ली जाए तो यह फ्लूइड्स की मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे किडनी पर ज़्यादा दबाव पड़ता है और नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे आपकी किडनी भी खराब हो सकती है। इसके बाद है डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे कि दूध, चीज, पनीर, बटर जैसी डेयरी प्रोडक्ट्स का ज़्यादा सेवन किडनी के लिए अच्छा नहीं होता। डेयरी प्रोडक्ट्स में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है जो किडनी को नुकसान पहुँचाती है। डेयरी प्रोडक्ट्स में कैल्शियम भी काफ़ी मात्रा में होता है जिससे किडनी में स्टोन बन सकते हैं, इसलिए इसके ज़्यादा सेवन से बचें। किडनी खराब होने के ज़्यादातर मामलों में जिम्मेदार होते हैं रेड मीट। रेड मीट में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन प्रोटीन हमारे शरीर के लिए ज़रूरी भी होता है। इस तरह के मांस को पचाना हमारे शरीर के लिए मुश्किल हो जाता है, जिसका असर किडनी पर पड़ता है, जिससे हमारी किडनी का खराब होने का सबसे बड़ा कारण भी होता है।